कि इस सदी के अंदर इस पूरी सदी के अंदर कोई इन्ना टॉल लीडर होया हो जिदी एड्डी उच्ची शख्सियत हो जिसनों देश के दे प्रधानमंत्री अपने सारे कामकार छड़ के उन्होंने अंतिम दर्शन कर पहुँचे हो और प्रधानमंत्री जी उन्होंने प्रति लेख लिख के अपन भावनाओं व्यक्त कर दे। मैनू लगता कि देश अंदर कभी भी कोई दूसरा आदमी उन्होंने बराबर हो सकता और मेरा बाल साहब नाल भी निजी तौर पर बहुत समा उन्होंने बिताया, निजी तौर पर बहुत समा रहा उन्होंने को। मैं एक गल दसा, मैं एक समय च बादल साहब 12 दिन दिल्ली रहे 2012 की इलैक्शन तो बाद। बहुत लोग ने बादल साहब को नहीं देखे इस रूप से। बादल साहब कहते भी आपका काका किसी नहीं मिलना, तो आप बस दिल्ली के वो हालात देखने, वो जगह देखनी आ जिहड़ियां अज तो पहला नहीं देखिया। असी जवाहर लाल नहरू जी के मेमोरियल से जिथे रेंदे रहे हैं तो वो डायरैक्टर बादल साहब को दिखाने चले गए। कहते भी बादल साहब का तुम पता, तो जानी जान पहले ही पता होंगे सब कुछ। वो वेख के कहते जी ये डायरैक्टर साहब ये दसो भी ये जरा कमरा है ये दो ऑफिस क्यों ने। वो कहते जी एक एक्सटरनल अफेयर मिनिस्टर का विचार से उन्होंने को करके दो घर दफ्तर से। वो कहते फिर ये थलड़ा दफ्तर पीएम का कि उपरला दफ्तर पीएम का तो सवाल ही नहीं पुछते। वो कहता जी मेरा ख्याल जी जो उपला दफ्तर से वो पीएम का एक्सटरनल अफेयर का थलड़ा दफ्तर पीएम का सारा कुछ घूम घम के जो बाहर आ गए। कहते डायरैक्टर साहब रिकॉर्ड चैक करो जी, मेरा ख्याल थलड़ा दफ्तर एक्सटरनल अफेयर का होगा क्योंकि विदेशी मेहमानों को मिलते थे। मतलब वह इन्ने सवाल उन्होंने पूछे तो बादल साहब तुम हर रंग से देखा है पर एक रंग मैं देखा उन्होंने। मैनू कहिंदे काका मैनू 20-25 साल 30 साल पता नहीं किन्ने साल हो गए मैं मूवी नहीं देखी, तो आपां मूवी देखनी है, आपां मूवी देखनी है। मैं कहा बाल साहब ठीक है। कहिंदे कि मूवी नवी आई है? उन्होंने दो मूवी आए थे, एक जट एंड जूलियट, एक कोई हिंदी मूवी थी। कहिंदे आपां पंजाबी मूवी देखनी है। उन्होंने स्टाफ एक रामपाल एस पी हुंदा सी, वो बाकी स्टाफ ते असीं रजौरीगंज च एक स्पैशल स्क्रीनिंग कराई पिक्चर हॉल थिएटर च शाम नूं। बादल साहब नूं तुसीं हर रूप च देखा होगा पर बादल साहब हाथ से हाथ मार के हसदिया नहीं करी किसी देखा होगा। मूवी देख के इन्ना हसे तो मैंने परसों याद आ रहा है, मैं कहा तुम उन्होंने दूरअंदेशी देखो। मैंने कहते काका ये मुंडा कौन है? दलजीत दोसांझ। कहते मुंडा कौन है? मैं कहा जी ये दलजीत दोसांझ आ, ये नवे नवे जी गाने आए, गाने गाने लगा है तो मूवी। कहते काका ये बहुत दूर तक जाऊगा। तो मैं परसों का याद कर रहा है, मैं कहा बाकी सब की भविष्यवाणी तो की है, दलजीत दोसांझ की भविष्यवाणी भी बादल साहब की की हुई। सो उन्होंने शख्सियत का कोई सानी नहीं हो सकता, उन्हों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पोलीटल तौर पर बंदा जी मर्जी पार्टी रवे पर बादल साहब को मिलने तो बाद जरूर एक आवड़े जिंदगी कहता भी सरदार बादल का मुकाबला ना देश की अज भी कोई राजनीति कर सकता है। इस सदी के अंदर, इस पूरी सदी के अंदर कोई इन्ना टॉल लीडर होया हो जिदी एड्डी उच्ची शख्सियत हो जिसनों देश के दे प्रधानमंत्री अपने सारे कामकार छड़ के उन्होंने अंतिम दर्शन कर पहुँचे हो और प्रधानमंत्री जी उन्होंने प्रति लेख लिख के अपन भावनाओं व्यक्त कर दे। मैनू लगता कि देश अंदर कभी भी कोई दूसरा आदमी उन्होंने बराबर हो सकता और मेरा बाल साहब नाल भी निजी तौर पर बहुत समा उन्होंने बिताया, निजी तौर पर बहुत समा रहा उन्होंने को। मैं एक गल दसा, मैं एक समय च बादल साहब 12 दिन दिल्ली रहे 2012 की इलैक्शन तो बाद। बहुत लोग ने बादल साहब को नहीं देखे इस रूप से। बादल साहब कहते भी आपका काका किसी नहीं मिलना, तो आप बस दिल्ली के वो हालात देखने, वो जगह देखनी आ जिहड़ियां अज तो पहला नहीं देखिया। असी जवाहर लाल नहरू जी के मेमोरियल से जिथे रेंदे रहे हैं तो वो डायरैक्टर बादल साहब को दिखाने चले गए। कहते भी बादल साहब का तुम पता, तो जानी जान पहले ही पता होंगे सब कुछ। वो वेख के कहते जी ये डायरैक्टर साहब ये दसो भी ये जरा कमरा है ये दो ऑफिस क्यों ने। वो कहते जी एक एक्सटरनल अफेयर मिनिस्टर का विचार से उन्होंने को करके दो घर दफ्तर से। वो कहते फिर ये थलड़ा दफ्तर पीएम का कि उपरला दफ्तर पीएम का तो सवाल ही नहीं पुछते। वो कहता जी मेरा ख्याल जी जो उपला दफ्तर से वो पीएम का एक्सटरनल अफेयर का थलड़ा दफ्तर पीएम का सारा कुछ घूम घम के जो बाहर आ गए। कहते डायरैक्टर साहब रिकॉर्ड चैक करो जी, मेरा ख्याल थलड़ा दफ्तर एक्सटरनल अफेयर का होगा क्योंकि विदेशी मेहमानों को मिलते थे। मतलब वह इन्ने सवाल उन्होंने पूछे तो बादल साहब तुम हर रंग से देखा है पर एक रंग मैं देखा उन्होंने। मैनू कहिंदे काका मैनू 20-25 साल 30 साल पता नहीं किन्ने साल हो गए मैं मूवी नहीं देखी, तो आप मूवी देखनी है, आप मूवी देखनी है। मैं कहा बाल साहब ठीक है। कहिंदे कि मूवी नवी आई है? उन्होंने दो मूवी आए थे, एक जट एंड जूलियट, एक कोई हिंदी मूवी थी। कहिंदे आप मूवी देखनी है। उन्होंने स्टाफ एक रामपाल एस पी हुंदा सी, वो बाकी स्टाफ ते असीं रजौरीगंज च एक स्पैशल स्क्रीनिंग कराई पिक्चर हॉल थिएटर च शाम। बादल साहब नूं तुसीं हर रूप च देखा होगा
पर बादल साहब हथ ते हथ मार के हसदिया नहीं करी किसी ने देखा होगा मूवी देख के इन्ना हसे तो मैंने परसों याद आ रहा मैं कहा तुम उन्होंने दूरअंदेशी देखो मैंने कहते काका ये मुंडा कौन है दलजीत दोसांझ कहते मुंडा कौन है मैं क्या जी ये दलजीत दोसांझ आ ये नवे नवे जी गाने आए गाने गाने लगा है तो मूवी कहते काका ये बहुत दूर तक जाऊंगा तो मैं परसों का याद कर रहा है मैं क्या बाकी साहब की भविष्यवाणी तो की दलजीत दोसांझ की भविष्यवाणी भी बादल साहब की हुई सो उन्होंने शख्सियत का कोई सानी नहीं हो सकता उन्होंने मुकाबला कोई नहीं कर सकता पोलीटल तौर पर बंदा जी मर्जी पार्टी रवे पर बादल साहब न मिलने तो बाद जरूर एक आवड़े जिंदगी कहता सी भी सरदार बादल का मुकाबला ना देश की अज भी कोई राजनीति कर सकता है।